फिजिक्स सेशन इलास्टिसिटी में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हुक्स लॉ। जो इलास्टिसिटी का जो फंडामेंटल लॉ होता है वो होता है हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ को हम स्टेट करते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाया जाता है तो उस स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उस ऑब्जेक्ट में, यानी कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो रेशियो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा लीनियर ग्राफ होता है, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से या फिर लीनियर लाइन के माध्यम से। बट लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो हर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के लिए इलास्टिसिटी नहीं दिखाती। अगर स्ट्रेस की वैल्यूज़ को हम एक्सट्रीमली लार्जर कर दें या बढ़ा दें तो जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है वो लीनियर ग्राफ नहीं रहता। तो आज हम उसी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ क्या होता है और उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो लेट अस कंसिडर ए वायर एंड सम लोड इज़ अप्लाइड ऑन इट। तो उस वायर के ऊपर हमने जो लोड लगाया है उस लोड को हम इंक्रीज़ करते जाएंगे और स्ट्रेस की वैल्यू नोट करते जाएंगे। तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है जिसमें हमने वाई एक्सिस पर दिखाया है स्ट्रेस को और एक्स एक्सिस पर दिखाया है स्ट्रेन को। तो जब हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं यानी कि लोड को बढ़ाते जा रहे हैं तो कुछ एक लिमिट तक जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है वो एक लीनियर ग्राफ शो करता है, एक लीनियर रिलेशन शो करता है जो कि लाइन ओपी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ग्राफ पे। तो इस रेंज को, इस डिस्टेंस को जो हम ग्राफ में ओपी दिखाया है ये प्रोपोर्शनल लिमिट होती है उस ऑब्जेक्ट की कि यहाँ तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो जो ओपी जो रीज़न है वो है परफेक्टली इलास्टिक रीज़न, यानी कि यहाँ इस स्ट्रेस तक अगर हम स्ट्रेस डालें किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप कम्प्लीटली रिगेन कर लेगी। अब अगर हम इससे ज़्यादा लोड या फिर स्ट्रेस इस ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे तो उसका जो ग्राफ है वो पी से बी तक जाएगा, कर्व बी तक, जो कि लीनियर तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा कर्व टाइप है। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्ट्रेन जो है वो शार्पली इंक्रीज़ होता है जबकि स्ट्रेस आराम आराम से बढ़ रहा है। तो यहाँ आने के तक अगर हम उस ऑब्जेक्ट को रीलोड कर दें, दोबारा अनलोड कर दें, तो वो जो स्ट्रेस हमने हटाया है उस स्ट्रेस की वजह से ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है या फिर उस वायर की जो लेंथ है वो कुछ इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट इंक्रीज इन लेंथ। और जो यहाँ पे हमारे पास बीसी जो हमने ड्रॉ किया है ग्राफ में, बीसी जो लाइन ड्रॉ की है उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट, जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। अब अगर हम इसके आगे लोड बढ़ाते जाएंगे तो वायर की हालत कुछ ऐसी होगी कि जो स्ट्रेस हल्का सा भी बढ़ाएं तो स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लिमिट में बढ़ेगा। ठीक है, अगर हल्का सा भी स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन की जो वैल्यू बढ़ेगी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। और अब जो वायर है वहाँ से थिन होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक वो डी पॉइंट पर पहुँचेगा, डी पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट, यील्ड का मतलब होता है गिव अप, यानी कि यहाँ पे जो वायर है वो गिव अप कर देगा अपना रिस्टोरिंग फोर्स लगाना। अब जो भी फोर्स होगा वो होगा स्ट्रेस, यानी कि अब जब भी हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो वायर में परमानेंट डिसेबलमेंट जरूर आएगी। और फर्दर अब इंक्रीज़ करने पर लोड को तो एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट को हम बोलते हैं द ब्रेकिंग पॉइंट। और इस ब्रेकिंग पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस की वैल्यू होगी उस स्ट्रेस को बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। और उस स्ट्रेंथ को, उस वैल्यू को, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटीरियल। और वहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है उसको हम बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेन। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी जो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहकर भी जो रिकवरी टाइम होता है यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पर आने का जो टाइम होता है वो उनका काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनको डिले होती है रिकवरिंग अपनी पोजीशन में, तो उस डिले को हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। जो सॉलिड्स अपनी स्टेट, ओरिजिनल स्टेट को रिगेन करने में समय लेते हैं उनको हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट मटेरियल्स। और उनके एग्जांपल्स हैं ग्लास। और जो ऐसे हैं जो कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट नहीं दिखाते वो है क्वार्ट्ज, सिल्वर, गोल्ड और एक्सेट्रा। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम इस ग्राफ से देख सकते हैं। तो हम कोऑर्डिनेट ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, वाई एक्सिस पर लोड लेते हैं, एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन लेते हैं। जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते हैं या फिर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट तक उन दोनों के बीच में लीनियर ग्राफ आता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है टॉप मोस्ट जहाँ पर लोड मैक्सिमम है और स्ट्रेन की वैल्यू है जो
वो ज़्यादा बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू लोड। लोड को हम आराम से बढ़ा रहे हैं लेकिन स्ट्रेन कुछ ज़्यादा ही वैल्यू में बढ़ रहा है, तो कर्व ग्राफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब हम लोड को ना बढ़ा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन स्ट्रेन की जो वैल्यू वो इंक्रीज़ होती जा रही है। फिर जैसे जैसे हम लोड को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, स्ट्रेन की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन जो ग्राफ है वो उसी जगह पर जाकर, यानी कि ओरिजिन पर जाकर ख़त्म नहीं होता, वो कुछ दूरी पर, कुछ एक्स एक्सिस की डिस्टेंस पर ख़त्म हो रहा है, जिसको हम समझ सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन रह गया है। तो यहाँ पे जो ग्राफ में हमें एक लूप सी दिखाई देती है, इस लूप को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। और जो इसका एरिया है वो हमें शो करता है, वो हमें बताता है, जो इसका एरिया है वो हमें दिखाएगा कि कितनी एनर्जी लूज़ हुई है लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम, यानी कि जब भी हमने स्ट्रेस लगाया किसी ऑब्जेक्ट पर तो कितनी एनर्जी वेस्ट हुई है, डेसिपेट हुई है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर जो स्ट्रेंस हैं वो अल्टरनेटिव हम डालते रहें, यानी कि उसको स्ट्रेन करते रहें, स्ट्रेन हटाते रहें, स्ट्रेन करते रहें, स्ट्रेन हटाते रहें, तो इस तरह वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्ट्रेंथ खो देती है, उसकी स्ट्रेंथ में लॉस होता है, जिसको बोलते हैं हम इलास्टिक फटीक। और इलास्टिक फटीक की वजह से जो बॉडी का वो ब्रेक डाउन हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से उसको टूटने का खतरा रहता है या फिर ख़राब होने का खतरा रहता है। अब हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलास्टिसिटी। ए चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द इलास्टिक प्रॉपर्टीज़। ए राइज इन टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीज इट्स इलास्टिसिटी। यानी कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी मटेरियल की, वो टेम्परेचर राइज करने पर डिक्रीज़ होती हैं। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, वो होता है इनवार स्टील, जो कि अनइफेक्टेड रहता है, जिसकी जो इलास्टिसिटी है वो चेंज नहीं होती अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें या फिर डिक्रीज़ करें। तो हमारा जो इलास्टिसिटी और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ था, उसके सभी पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं।